हेलो फ्रेंड्स, आज हम गौतम अडानी जी का हॉरोस्कोप देखेंगे। हम इनका हॉरोस्कोप पहले भी देख चुके हैं। पहले हमने इनका हॉरोस्कोप जो है नागमणि योग के संदर्भ में देखा था। उससे पहले भी हम गौतम अडानी जी का हॉरोस्कोप का डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं। आज हम इनका हॉरोस्कोप फिर से देखने जा रहे हैं। हमने अभी इंटरनेट पर एक न्यूज़ इनके बारे में पढ़ी है, जिसमें कि इनके बारे में लिखा हुआ था कि गौतम अडानी जी जो है कर्ज लेके घी पी गए हैं। और तभी हमने देखा कि इनकी कुंडली में भी कर्ज के काफ़ी योग बने हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कुंडली में वो कौन से योग होते हैं जिनसे कि कर्ज बढ़ता है। ये है गौतम अडानी जी का हॉरोस्कोप, कुंभ लग्न का हॉरोस्कोप है। ये न्यूज़ हमने देखा था इंटरनेट पे, कर्ज लेकर घी पी गए हैं गौतम अडानी। पिछले साल की तुलना में अडानी ग्रुप की कंपनियों पर जो कर्ज की रकम है वो 42% बढ़ गई। गौतम अडानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 153 अरब डॉलर पहुंच गया है। साल 1978 में 16 साल की उम्र में गौतम अडानी डायमंड की ट्रेडिंग करने के लिए मुंबई आए थे। इससे पहले वे गुजरात में भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में मदद कर रहे थे। साल 1988 में अडानी ग्रुप की स्थापना हुई थी। अडानी एंटरप्राइजेस के ग्रुप में पहली कंपनी कमोडिटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने के लिए शुरू की गई थी। एशिया के सबसे अमीर कारोबारियों में से एक गौतम अडानी अपने पुराने कारोबार को बढ़ाने के साथ नए धंधे में कदम रखने के लिए डेट यानी कर्ज फाइनेंसिंग का सहारा लेते हैं। गौतम अडानी की ग्रुप कंपनियों का ग्रॉस डेट बढ़कर 2.2 लाख करोड़ रुपये पहुँच गया है। तो फिर जब हमने ये न्यूज़ देखा तो हमारा ध्यान इनके हॉरोस्कोप पे गया। हमने देखा कि वाकई में इनकी कुंडली में कर्ज बढ़ाने के योग हैं। आज हम वही देखेंगे कि आखिर इनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जिनसे कि कर्ज बढ़ता है। हम जानते हैं कि जो सेकंड हाउस होता है, 11th हाउस होता है, इसका संबंध धन से होता है। सेकेंड हाउस जो होता है आपके बैंक बैलेंस का से आपके जो एसेट्स हैं उनसे रिलेटेड होता है, और जो 11th हाउस होता है वो आपकी इनकम को शो करता है। 6th हाउस जो होता है वो मेन हाउस होता है कर्ज का, बीमारी का, कोर्ट केस का, दुश्मनों का। जब यहाँ पे कोई शुभ प्लैनेट बैठ जाता है तो व्यक्ति कर्जा जरूर लेता है, व्यक्ति पे कर्जा जरूर होता है। और जब शुक्र जैसा प्लैनेट जो कि खुद ही धन का कारक है, जो कि खुद ही बैंक बैलेंस और आपके एसेट्स का कारक है, खुद बैठ जाए तो व्यक्ति को ऊपर कर्जा जरूर होता है। अब ये कर्जा कितना होगा, व्यक्ति चुका पाएगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि ये किस राशि में बनता है, कौन से प्लैनेट्स इससे कनेक्ट हो गए, कौन से प्लैनेट्स की दृष्टि इसके साथ पड़ गई है। तो यहाँ पे देखिए, जो शुक्र है वो चंद्र की राशि में बैठा है। चंद्र की राशि में शुक्र बैठने से खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है, शुक्र पीड़ित हो जाता है। और साथ में राहु का बैठना, राहु मैंने जैसे कि बताया कि कारकत्व को बढ़ा देता है, तो यहाँ पे व्यक्ति का कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति का जो खर्चा है, व्यक्ति का जो रहन सहन है, जो खर्चा है, जो उसके इन्वेस्टमेंट है, वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। राहु मल्टीपल का कारक है जैसे कि हमने बताया, और ये वीनस जो कि धन का कारक है, एसेट्स का कारक है, हाउस का कारक है, और व्हीकल का कारक है, तो ये उसको मल्टीप्लाई करेगा, तो उसके लिए धन कहाँ से आएगा, वो कर्जे से आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे शनि की दृष्टि भी इसके ऊपर पड़ गई है। शनि की दृष्टि जब 6th हाउस पे पड़ती है तो व्यक्ति जो कर्जा लेता है वो काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। राहु जो इसमें इन्वॉल्व होता है तो व्यक्ति अधिकतर देखा गया है कि धन चुकाने की इच्छा नहीं रखता है, और अपने जो खर्चे हैं, अपनी जो भी ज़रूरत है उनको कर्ज लेके पूरा करता है। उसको वो करना ही है, वो उसको खर्चे करने ही हैं, और उसके लिए धन चाहे वो कर्ज लेके आए। यहाँ पे जो कर्ज भाव का जो लॉर्ड है वो क्या है, चंद्र है। वो कहाँ बैठ गया, लगन में, किसके साथ बैठ गया, आय भाव और धन भाव के स्वामी के साथ में। तो ये बता रहा है कि व्यक्ति को कर्जा
लगा है, क्योंकि लगन में बैठने के साथ व्यक्ति जो है हमेशा किसी ना किसी काम के लिए, किसी ना किसी जरूरत के लिए कर्जा लेता रहता है। अब वो शनि के कारण वो कर्जा काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और शनि केतु का जब योग होता है, वो भी ट्वेल्थ हाउस में, जब जितने ज़्यादा मालफिक होंगे उतने ही ज़्यादा व्यक्ति का एक्सपेंडिचर होता है, और उन एक्सपेंडिचर को वो किस तरह से पूरा करेगा वो आप देख लीजिए। यहाँ पे आय भाव और जो इनकम भाव के लॉर्ड है वो किसके साथ बैठते हुए, कर्जा भाव के स्वामी के साथ, वो कर्ज लेके उनको पूरा करता है, इसलिए इनका कर्जा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि अभी इनकी शुक्र की भी दशा चल रही है जैसा कि हमने देखा था, 2035 तक चलेगी, और राहु की अंतरदशा चल रही है, तो इसलिए इनका कर्जा भी अभी और मल्टीप्लाई हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से कुंडली में योग होते हैं कर्जे के, और व्यक्ति के ऊपर कर्जा बढ़ता जाता है। यहाँ पे जो है एक चीज़ और मैं बताऊँगी कि यहाँ पे शनि की दृष्टि भी छठवें घर में है, शुक्र के ऊपर है, साथ में मंगल की दृष्टि भी है, और मंगल को हम जानते हैं कि कर्ज का कारक भी होता है, तो मंगल का संबंध भी यहाँ पे सिक्स हाउस से हो जाता है, तो इसलिए भी जो कर्जा है वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये था कि किस तरह से जो कुंडली में योग होते हैं वो कर्जे को बढ़ा देते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। थैंक यू।